प्रोफेसर अजय कुमार सूद, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर एस के सरीन, प्रेसिडेंट नाम्स, डॉक्टर नीरज भाटला वाइस प्रेसिडेंट नाम्स, डॉक्टर दिगंबर बेहरे वाइस प्रेसिडेंट नाम्स, डॉक्टर उमेश कपिल सेक्रेटरी नाम्स, पास्ट प्रेसिडेंट्स ऑफ नाम्स, फेलोज एंड मेंबर्स ऑफ नाम्स, डिस्टिंग्विश्ड ऑडियंस, आज इस नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज के 63rd फाउंडेशन डे पर मैं नाम्स फैमिली के सभी सदस्यों को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं। और कुछ कहने के पहले, मैं आज जिन लोगों को फेलिसिटेट किया गया है उन महानुभावों को भी अपनी तरफ से बहुत सारी मैं बधाइयां देता हूं। साथ ही मेरी उनके लिए हार्दिक शुभकामनाएं भी हैं, आप भविष्य में और अच्छे मुकाम हासिल करें। और आज जिस व्यक्ति के द्वारा आपको सम्मानित किया गया है, प्रोफेसर अजय कुमार सूद, मैं समझता हूं कि एक योग्य व्यक्ति के द्वारा आज आपको सम्मानित किया गया है। नाम्स के मेंबर्स को एक पेशेंट के द्वारा संबोधित किया जाए, यह मुझे स्वयं भी एक अजीबोगरीब स्थिति लग रही है। मैं बहुत ही उत्सुक था कि मैं स्वयं ही कार्यक्रम में मौजूद रहूं, लेकिन परिस्थितियों ने मुझे इसकी इजाजत नहीं दी। कुछ कहने के पहले, मेरा आप लोगों के बीच फिजिकली आने के ही का ही प्लान था। यहां आने को लेकर मैं बड़ा पॉजिटिव था, पर मैं अभी एक और पॉजिटिव हो चुका हूं, कोविड पॉजिटिव। अब कोविड प्रोटोकॉल्स के चलते मैं फिजिकली तो नहीं आ पाया, पर आप लोगों के बीच आने को लेकर मैं इतना उत्साहित था कि मैंने सोचा टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही सही, वर्चुअली ही सही, पर आप लोगों से मैं बातचीत करूंगा और इस तरह मैं आपके सामने हूं। अपनी स्थापना के समय से ही नाम्स इंडियन हेल्थ सेक्टर, मेडिकल एजुकेशन तथा रिसर्च के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अमृतकाल की शुरुआती बेला में मनाया जा रहा है यह 63rd फाउंडेशन डे, नाम से जुड़े सभी लोगों को एक नई एनर्जी के साथ कार्य करने और नए लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं नाम्स के बारे में देख रहा था तो मैंने पाया कि इसका एक बेहद गौरवशाली इतिहास रहा है। 1961 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, तब से लेकर अब तक अनेक महान विभूतियों की सेवा नाम्स को प्राप्त हुई है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, श्री पीवी नरसिम्हा राव व श्रीमती सुशीला नायर जैसी अनेक इमिनेंट पर्सनालिटीज ने समय समय पर एकेडमी से जुड़कर इसका उत्साह बढ़ाया है। डॉक्टर विधान चंद्र राय और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे भारत रत्न भी इसी एकेडमी से जुड़े रहे हैं। नाम्स के सदस्यों में से अनेक मेंबर्स पद्मा अवार्ड से भी नवाजे गए हैं। यह सब देखकर मुझे तो ऐसा महसूस होता है जैसे नाम्स भारतीय मेडिकल सेक्टर में उस चौराहे के समान है जहां से हेल्थ सेक्टर से जुड़ी हुई लगभग सभी हस्तियां गुजरती हैं। मुझे बताया गया कि हमारे देश की हेल्थ रिलेटेड पॉलिसी मेकिंग हो या देश में बन रहे 6 नए एम्स हो, इनमें नाम्स एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस एकेडमी ने वक्त के साथ अपनी रेलिवेंसी भी साबित की है और आगे भी यह एकेडमी देश के हेल्थ सेक्टर में अपना योगदान देती रहेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। साथियों, डॉक्टर्स और मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का हमारे देश में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। हमारी परंपरा में चिकित्सकों को देवता तुल्य माना गया है। आप सभी ने स्वामी विवेकानंद का एक कथन सुना होगा जिसमें वह कहते हैं कि गुरु को डॉक्टर के समान होना चाहिए। इस कथन को ध्यान से देखें कि प्रत्येक गुरु को डॉक्टर के समान होना चाहिए, जो अपने डिसिप्लिन के नेचर को अच्छी तरह समझ सके और डिसिप्लिन को उसी विधि से ज्ञान प्रदान कर सके जो विधि डिसिप्लिन के लिए बेस्ट हो। इस कथन की गरिमा देखिए। एक ऐसा देश जिसने गुरु को सर्वोच्च स्थान दिया है,
उसे ब्रह्मा विष्णु और महेश माना है, और एक ऐसा देश जहां कबीर दास यह कहते हों कि गुरु गोविंद दो उखड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी गुरु और भगवान एक साथ सामने खड़े हों तो पहले गुरु को ही सम्मान देना चाहिए, क्योंकि गुरु के माध्यम से ही कोई भगवान तक पहुंचने का मार्ग जान पाता है। यानी इस देश ने माता पिता और ईश्वर से भी ऊंचा स्थान गुरु को दे रखा है, और स्वामी विवेकानंद डॉक्टर को गुरु से भी बड़ा मानते हुए कहते हैं कि गुरु को डॉक्टर जैसा होना चाहिए। यह हमारे जीवन में, हमारे समाज में और हमारे राष्ट्र में डॉक्टर्स की इम्पॉर्टेंस को दिखाता है। और मैं तो यह मानता हूं कि चिकित्सकों को इतना बड़ा स्थान केवल और केवल हमारी संस्कृति ही दे सकती है, हम ही दे सकते हैं। चिकित्सक समाज के लोगों को आरोग्य प्रदान करते हैं, उन्हें स्वस्थ रखने का कार्य करते हैं, और इसके माध्यम से न केवल समाज, राष्ट्र, बल्कि मानवता के कल्याण के लिए अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका भी सुनिश्चित करते हैं। साथियों, किसी राष्ट्र की प्रगति में आरोग्य का क्या महत्व होता है, इस पर अधिक बात करने की जरूरत मैं नहीं समझता हूं। स्वास्थ्य किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए प्रथम अनिवार्य तत्व होता है। किसी भी देश के स्वस्थ नागरिकों के द्वारा ही देश का समग्र विकास संभव है। लोग जितने स्वस्थ होंगे, देश की प्रगति के लिए वे उतनी ही ऊर्जा और सक्रियता के साथ कार्य कर सकने में सक्षम होंगे। हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी लिखा है कि आरोग्यम परम भाग्यम, स्वास्थ्य सर्वार्थ साधनम, अर्थात निरोगी होना परम भाग्य है, और स्वास्थ्य से सभी कार्य सिद्ध होते हैं। पहला सुख निरोगी काया, काय मंत्र इस देश में साधारण से साधारण भी लोग अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए आरोग्य मानव जीवन के लिए अनिवार्य, और हेल्थ सेक्टर हमारे देश के लिए एक की सेक्टर बन जाता है। आज जब मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हूं तो मैं हेल्थ से जुड़े कुछ बिंदुओं पर अपने विचार आपके समक्ष रखना चाहूंगा। यदि हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की हेल्थ की परिभाषा पर गौर करें तो उसके अनुसार किसी व्यक्ति का कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग ही उत्तम स्वास्थ्य कहलाता है। अर्थात स्वास्थ्य का सिर्फ यह अर्थ नहीं है कि आपको कोई बीमारी नहीं है, स्वास्थ्य इससे कहीं अधिक व्यापक एक संकल्पना है। मैं एक एक करके इन आयामों पर अपने विचार आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा, और यह भी मैं बताना चाहूंगा कि स्वस्थ भारत, सशक्त भारत के विजन के अनुरूप हमारा देश क्या क्या कदम उठा रहा है। सबसे पहले मैं फिजिकल हेल्थ की बात करूंगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, बदलती दुनिया के साथ साथ लोगों के रहन सहन में भी बदलाव हो रहा है, खान पान में भी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। किसी समय सुबह जल्दी उठना, रात को जल्दी सोना, सादा खान पान, यह सब हमारे जीवन और दिनचर्या के अंग थे, लेकिन अब दुनिया तेजी से बदल रही है। आज सुबह जगने की बजाय सुबह तक जगने का प्रचलन होता देखा जा रहा है, तो वहीं खान पान में भी रेडिकल चेंजेस हुए हैं। बताते हैं कि ब्रेकफास्ट और लंच को मिलाकर ब्रंच का भी एक नया कंसेप्ट आया है, जिसमें लोग ब्रेकफास्ट और लंच एक साथ ही कर लेते हैं। इस तरह के छोटे छोटे बदलाव हमारे स्वास्थ्य पर बड़े विपरीत प्रभाव डालते हैं। भारत में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के मरीजों की संख्या का लगातार बढ़ना इसी ओर इशारा कर रहा है। साथियों, डेमोग्राफी के हिसाब से देखें तो इस समय हमारा देश दुनिया का सबसे युवा देश है। यह हमारे लिए खुशी की बात तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ यह हमारे लिए एक दायित्व भी है कि हम अपनी युवा जनसंख्या के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। न सिर्फ युवा बल्कि समाज के हर वर्ग, चाहे वह बुजुर्ग हों, महिलाएं हों या फिर बच्चे हों, इन सबके फिजिकल हेल्थ को सही रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे कंधों पर है। ऐसे में देश के नागरिकों के हेल्थ की चिंता हमारी प्राथमिकता है, और इस दिशा में हमने पर्याप्त कदम उठाए हैं। आप सबने आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लॉन्च किए हुए आयुष्मान भारत योजना, इससे अच्छी तरह परिचित होंगे।
हम सभी जानते हैं कि किसी गरीब परिवार में यदि कोई बीमार पड़ता है तो वह बीमारी उस परिवार के ऊपर कितना बड़ा आर्थिक बोझ डालती है। इससे निपटने के लिए सरकार ने आयुष्मान भारत योजना लॉन्च की है। दुनिया की इस सबसे बड़ी हेल्थ केयर स्कीम में हम लगभग 10 करोड़ परिवार यानी 50 करोड़ लोगों को कवर कर रहे हैं। युवाओं को फिट रखने के लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में सरकार ने फिट इंडिया इनिशिएटिव लॉन्च किया है। ऐसे अनेक कदम सरकार द्वारा लोगों की फिजिकल हेल्थ एंड वेलबींग को सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए हैं। मुझे इस बात की खुशी होती है कि नाम्स ने फिजिकल हेल्थ सुनिश्चित करने के लिए कदम कदम पर सरकार का साथ दिया है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम भविष्य में भी इसी प्रकार साथ में काम करते हुए आगे बढ़ेंगे। साथियों, अब मैं उस हेल्थ के उस डायमेंशन की बात करना चाहूंगा जो पिछले कुछ वर्षों में एक बड़ी समस्या बनकर दुनिया के सामने आया है और वह है मेंटल हेल्थ। हम अपने चारों ओर देखते हैं कि दुनिया में कितनी चहल पहल बढ़ गई है। लोगों के पास समय का बेहद अभाव हो रहा है। लोग अपने परिवार को समय नहीं दे पा रहे हैं, अपने दोस्तों को समय नहीं दे पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य पर भी बहुत बड़ा असर पड़ता है। लोगों में एंग्जाइटी, डिप्रेशन और अकेलेपन जैसी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। हमें कई बार बुरी खबरें भी सुनने को मिलती हैं कि किसी ने अपनी खराब मेंटल हेल्थ की वजह से गलत कदम उठा लिया, अपना जीवन समाप्त कर दिया। ऐसी खबरें बहुत विचलित कर देने वाली होती हैं। फिजिकल हेल्थ के बारे में तो हम व्यक्ति को देखकर भी बता सकते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ पूरी तरह से एक आंतरिक यह विषय वस्तु है। साथियों, हम ऐसे भी लोगों को देखते हैं जो फिजिकली पूरी तरह से फिट हैं लेकिन उनकी मेंटल हेल्थ सही नहीं है। एक समय तो ऐसा भी था कि लोग अपनी मानसिक बीमारियों को बहुत लंबे समय तक समझ ही नहीं पाते थे और किसी को अपनी बीमारी के बारे में पता चल भी गया तो वह और उसके परिवार के लोग उसे छुपाने में लग जाते थे। समाज में एक ऐसा माहौल था कि मानसिक बीमारियां बड़ी शर्म की बात मानी जाती थी। ऐसी स्थिति में अपने आप में किसी बीमारी से कम नहीं थी, पर अनेक प्रयासों से यह स्थिति बदली है। आज लोग जागरूक हो रहे हैं और किसी प्रकार की समस्या आने पर काउंसलर खोज रहे हैं और उनके पास स्वयं पहुंच भी रहे हैं। समाज में एक बड़ा परिवर्तन भी आया है। डॉक्टर्स का काम केवल प्रेस्क्रिप्शन बनाने का नहीं बल्कि उसके बाद पेशेंट्स को गाइड करने और उन्हें इमोशनली और मॉरली स्ट्रांग बनाने और अपनेपन के साथ उनकी बीमारी हील करने का ही होना चाहिए। और हमारे प्राचीन ग्रंथों में योग आदि के माध्यम से व्यक्ति को स्वस्थ रखने की विभिन्न पद्धतियों का उल्लेख है। समाज में योग और ध्यान आदि का बड़े पैमाने पर प्रसार होना चाहिए जिससे लोगों में अपनी इस भारतीय विरासत के प्रति जागरूकता आ सके और हमारा समाज मानसिक स्वास्थ्य की ओर स्वयं को आगे बढ़ा सके। साथियों, मेंटल और फिजिकल हेल्थ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम सब जानते हैं कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निर्माण होता है। इसलिए आप डॉक्टर्स के कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है कि वह इस देश की जनसंख्या को न सिर्फ फिजिकली बल्कि मेंटली भी हेल्दी रखें। साथियों, हेल्थ के जिस तीसरे आयाम की चर्चा मैं आपके सामने करना चाहूंगा वह है सामाजिक स्वास्थ्य यानी सोशल वेलबींग। बदलते समय के साथ हमारे समाज को अनेक संकटों का सामना करना पड़ रहा है, खासकर ग्लोबलाइजेशन के बाद जिस प्रकार से वर्क कल्चर बदला है उससे हमारे समाज पर कई सकारात्मक प्रभाव तो पड़े हैं। आज लोग पूरी दुनिया से जुड़ चुके हैं, लोग दूर दूर के संगठनों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, समाज में प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, लोगों के पास काम करने की फ्लेक्सिबिलिटी और ऑप्शंस बढ़े हैं। लेकिन जाने अनजाने में एक नकारात्मक प्रभाव यह पड़ा है कि लोग अपने घर परिवार से दूर होते जा रहे हैं। लोग शहरों में कमाने गए, वहां अच्छे से सेट होने के बाद वहीं रहने लग गए, कभी जरूरतों तो कभी मजबूरियों के चलते बूढ़े माँ बाप गांव में ही कहीं पीछे छूटते चले गए। मैं कहीं एक लाइन पढ़ रहा था
कि पेड़ गांव में ही रह जाता है और फल शहर में चला जाता है, यानी वृक्ष गांव में ही रह जाता है और फल शहर में चला जाता है। यह लाइन हमारे वर्तमान समाज को बड़ी बारीकी से व्यक्त करती है। वेस्टर्न कल्चर के प्रभाव में आकर ज्वाइंट फैमिलीज खंडित हुई और समाज में न्यूक्लियर फैमिलीज का चलन बढ़ा। कुछ लोगों ने तर्क भी दिया, ज्वाइंट फैमिलीज में कई बार नव दंपति को जरूरी स्पेस नहीं मिल पाता है। इसका हल आया कि समाज में न्यूक्लियर फैमिलीज बननी शुरू हुई। लेकिन सामाजिक बदलावों की अपनी एक गति होती है, एक दिशा होती है, जो शुरू होने के बाद उसी ओर आगे बढ़ती रहती है। न्यूक्लियर फैमिलीज तक तो फिर भी ठीक था, पर अनेक ऐसे कारण समाज में पनपने लगे जिसके चलते न्यूक्लियर फैमिलीज भी टूटी और सब न्यूक्लियर फैमिलीज की ओर समाज आगे बढ़ा। अब जगह जगह सिंगल पेरेंटिंग भी दिखाई देने लगा है, और अगर बदलाव की इस गति को नहीं रोका गया तो वह दिन दूर नहीं जब समाज में विवाह की संकल्पना ही खत्म हो जाए और लोग सिंगल हाउस होल्ड के रूप में दिखाई देने लगे। समाज में इसके कुछ एग्जाम्पल्स आपको देखने को भी मिल जाएंगे। ऊपर से देखने में यह फ्रीडम का च्वाइस की बात हो सकती है, पर वास्तव में यह एक बड़ा सामाजिक संकट है साथियों, जो इंसान को अकेलेपन की ओर ले जा रहा है, और इससे हमें बचने की जरूरत है। आधुनिकता की दौड़ में कहीं हम अपने सोशल वेलबींग को तबाह तो नहीं कर रहे, इस पर भी हमें विचार करने की जरूरत है। और इसी प्रकार समाज में महिलाओं और सोशली डिप्रेस्ड क्लास का उचित डेवलपमेंट भी सामाजिक स्वास्थ्य के लिए अत्यावश्यक है। महिलाओं का विकास किसी सामाजिक समाज के विकास का एक बड़ा पैमाना होता है। उनका विकास रुका हुआ है तो समाज का आधा विकास तो ऐसे ही रुका समझा जाना चाहिए, और आधे हिस्से से कोई समाज कितना आगे बढ़ सकता है इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। हमने इनके उत्थान की राह प्रशस्त की और लगातार इस कार्य में लगे हुए हैं। इसी प्रकार हमारे समाज में अनेक ऐसे वर्ग हैं जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, हमने उनके लिए भी अनेक अवसर उपलब्ध कराकर उनके उत्थान का मार्ग खोला है। सामाजिक स्वास्थ्य को बनाए रखने का हमारी सरकार ने हम पूरा प्रयास किया है। साथियों, हेल्थ के इन तीन डायमेंशंस के अलावा मैं अपनी तरफ से भी एक डायमेंशन की ओर आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, और वह डायमेंशन है स्पिरिचुअल हेल्थ। मित्रों, भारत अध्यात्म की जन्मभूमि रहा है। आज हम पूरी दुनिया में जहां कहीं भी आध्यात्मिक क्रियाकलापों रूपी नदियां देखते हैं, उनका उद्गम कहीं से हुआ है तो भारत रूपी हिमालय से ही है। आज जब मनुष्य आधुनिकता की दौड़ में लगा हुआ है, ऐसे में उसका आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होना बेहद आवश्यक है। यदि मनुष्य आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो विभिन्न बुराइयों तथा नैतिकता के पतन का कारण बनता है। और साथियों, जब मैं यहां अध्यात्म की बात कर रहा हूं तो उससे मेरा मतलब किसी प्रकार का धार्मिक कर्मकांड भर नहीं है। अध्यात्म से मेरा मतलब मानव मन की उस अवस्था से है जब वह समस्त सृष्टि में परमात्मा का अनुभव करने लगता है और समस्त सृष्टि से अपना नाता जोड़ लेता है, यानी जब मानव समाज के सुख दुख को अपना समझने लगता है तब वह मनुष्य मेरी नजर में आध्यात्मिक होता है। आध्यात्मिक व्यक्ति हर कोई नहीं हो सकता है, जिसका मन बड़ा होता है वही आध्यात्मिक हो सकता है। यहां पर अध्यात्म के बारे में मैं कहना चाहूंगा, मन का एलिवेशन, मन का बड़ा होना, यही अध्यात्म है। आप लोगों ने मैथमेटिक्स भी पढ़ी होगी। मैं यदि कहूं कि थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, लेट अस कंसीडर दैट अवर मन इज ए सर्किल, थोड़े समय के लिए मान लीजिए कि हमारा मन यह सर्किल है, तो इस सर्किल का सर्कमफेरेंस जितना ही बढ़ाते चले जाएंगे, उसी प्रपोर्शन में, उसी रेशियो में मैग्नीट्यूड ऑफ सुख, मैग्नीट्यूड ऑफ आनंद अपने आप बढ़ता चला जाएगा। इसे यदि मैथमेटिकल इक्वेशन में कहना हो तो हम यूं कह सकते हैं कि सर्कमफेरेंस ऑफ मन इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ सुख।
सर्कमफेरेंस ऑफ मन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ आनंद, और आगे बढ़ते चले जाइए तो फिर परमानंद की प्राप्ति होती है, यानी ईश्वर की प्राप्ति होती है। सब कुछ निर्भर करता है कि आप कितने बड़े मन के हैं। मन यानी हमारी इच्छाएं, हमारी आकांक्षाएं, हमारी रुचि, हमारे विचार, इन सबको मिलाकर हमारा मन बनता है। तो जो जिसका मन छोटा होता है वह हमेशा छोटा सोचता है, संकीर्णता में सोचता है, केवल अपने हित के बारे में सोचता है, पर जिसका मन बड़ा होता है वही व्यापकता में अपने समाज, अपने राष्ट्र और संपूर्ण विश्व के हित के बारे में सोच सकता है। वह न केवल मानव समाज बल्कि सृष्टि के समस्त जीव जंतुओं, चर अचर में भी अपनी ही भांति परमात्मा का अंश देखता है। अहम ब्रह्मास्त्र की अवधारणा के पीछे यही भाव है, यानी संपूर्ण सृष्टि के साथ सकारात्मक संबंध ही सच्चे अर्थों में आध्यात्मिकता है, स्पिरिचुअलिज्म है। बड़े मन के साथ जब आप दुनिया से जुड़ते हैं तो आपको निजी तौर पर तो आनंद की अनुभूति होती ही है, एक सामूहिक आनंद की अनुभूति भी आपको होती है। छोटे मन के व्यक्ति के साथ यह संभव नहीं है। अध्यात्म हमारे जीवन का अभिन्न अंग होना चाहिए, और मुझे इस बात की खुशी है कि डॉक्टर सरीन जी इस ओर स्वयं बेहद सक्रिय और जागरूक हैं। मुझसे कोई कह रहा था आप अभी जहां डायरेक्टर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, यानी इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलेरी साइंसेस में, नई बिल्डिंग में एंट्री करते ही रिसेप्शन बाद में आता है, ओपीडी और लेबोरेटरी बाद में आती है, पर विजिटर्स की मुलाकात जिस चीज से सबसे पहले होती है वह है रोरिंग सी स्टिल माइंड शीर्षक की एक विशाल पेंटिंग, और इसमें घनघोर गरजते समुद्र के सामने एक योगी ध्यान लगाए बैठा हुआ है, जो यह संदेश देता है कि जीवन में कितनी भी उथल पुथल क्यों न हो पर हमें अपना मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य और संतुलन बनाए रखना है। ILBS जैसे अत्याधुनिक संस्थान में इस तरह की कृतियां एक विश्वास पैदा करती हैं कि हम आधुनिकता के साथ साथ अपनी आध्यात्मिक परंपरा को भी साथ लेकर चलेंगे और समाज का समग्र स्वास्थ्य सुनिश्चित करेंगे। साथियों, हेल्थ के इन विभिन्न आयामों के बाद मैं एक और महत्वपूर्ण बिंदु पर अपने विचार रखना चाहूंगा, वह है हेल्थ सेक्टर में रिसर्च का मुद्दा। रिसर्च की इंपॉर्टेंस से हम सब भली भांति वाकिफ हैं। रिसर्च ही वह जरिया है जिससे मानव ने सामान्य से सामान्य चीजों को भी बहुमूल्य संसाधन में बदल दिया। मुफ्त की धूप आज एनर्जी का इतना बड़ा रिसोर्स बन चुकी है तो हर रिसर्च के कारण ही। इसी तरह के अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं जिसमें रिसर्च के माध्यम से मानव जीवन को बेहतर बनाने की बात हम देख सकते हैं। बीते 2-3 वर्षों में हमने देखा कि भारत के हेल्थ सेक्टर ने देश के समक्ष आई विकराल चुनौतियों का सामना कितने साहस के साथ किया है। कोरोना महामारी के रूप में देश के समक्ष आए आपदा में स्वास्थ्य क्षेत्र ने जिस प्रकार अवसर देखा और राष्ट्र को उस विकट परिस्थिति से निकाला वो अतुलनीय है। कोविड के दौरान हम सबको यह आभास हुआ कि स्वास्थ्य क्षेत्र में अनुसंधान कितना महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य क्षेत्र में किए गए किसी भी अनुसंधान का लाभ न सिर्फ त्वरित होता है बल्कि हम उस अनुसंधान से अपने देश के साथ साथ विश्व के अनेक देशों की भी मदद कर सकते हैं। कोविड के दौरान भी हमने देखा कि किस प्रकार भारतीय वैज्ञानिकों व शोधकर्ताओं द्वारा निर्मित वैक्सीन का लाभ सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हुआ है। साथियों, हेल्थ सेक्टर में रिसर्च इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि इस समय पूरी दुनिया का स्वास्थ्य क्षेत्र नवीन परिवर्तनों का सामना कर रहा है तथा बदलती टेक्नोलॉजी के साथ स्वयं को अपडेट भी कर रहा है। ऐसे में बदलती परिस्थितियों के अनुसार भारत भी अपने स्वास्थ्य क्षेत्र को अपडेट करने में लगा हुआ है तथा इस इवोल्यूशन प्रोसेस में नाम्स बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। नाम्स के मार्गदर्शन में मेडिकल रिसर्च स्कॉलर्स ने भी यह सिद्ध किया है कि यदि उन्हें संसाधन उपलब्ध कराए जाएं तो वह क्षेत्र में रिसर्च के द्वारा क्रांतिकारी बदलाव ला सकते हैं। साथियों,
राष्ट्र अपने अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। 2047 में हम अपनी स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मना रहे होंगे। यह अमृत काल इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारत डेमोग्राफिक डिविडेंड से गुजर रहा है। हमारे पास एक सामर्थ्यवान ह्यूमन कैपिटल है, यानी हमें डेमोग्राफिक डिविडेंड का समुचित लाभ उठाना है तो हमें इस ह्यूमन कैपिटल को स्वस्थ रखना ही होगा। हमें एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ कार्य करना ही होगा और आप सभी के सहयोग से हम इसमें सफल होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। साथियों, यह मेरी सदिच्छा है कि नाम्स ग्लोबल हो तथा एकेडमी की ख्याति पूरी दुनिया में बढ़े। मुझे पूरा विश्वास है कि यह एकेडमी लगातार अपने लक्ष्यों के प्रति आगे बढ़ते हुए न केवल अपना बल्कि देश का नाम पूरी दुनिया में ऊंचा करेगी। आज फाउंडेशन डे के शुभ अवसर पर मैं एकेडमी को उनके सभी लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी के प्रयासों में सफलता की कामना करते हुए यहीं पर अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।